एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिविनिटी टैरो एक्सपर्ट रूथ ऑलवेज एक्सपोजेस डार्कनेस। तो कैसे सब लोग, आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है गाइस, वो इस तरह से है कि आपके जिंदगी में अगले 72 घंटे किस तरह से होंगे। सो ऑफकोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल जोडियक साइंस। आप जानते ही है इस 72 घंटे में ऑब्वियसली ऐसा कुछ घटनाओं का मेंशन मैं ज़रूर करती हूँ कि जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपको बताने की ज़रूरत है ताकि आप प्रायर स्टेप्स ले पाए। सो ऑब्वियसली ये रीडिंग आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। देख लेते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में ये जो घटनाएं हैं, ये कौन कौन सा सेक्टर्स में आपको हेल्प कर सकता है एंड डेफिनेटली क्या आने वाला है। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइस। टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडियक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर बींग विथ मी। यूनिवर्स विद गाइड्स, प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जिंदगी में क्या आते हुए दिखाई दे रहा है विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स, अगले 72 घंटे में किस तरह का सिचुएशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स विद गाइड्स, प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी जिंदगी में नेक्स्ट 72 आवर्स किस तरह से होने वाला है। यूनिवर्स विद गाइड्स, प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जिंदगी में अगले 72 घंटे में क्या हो सकता है, प्लीज बताइए। सो वी डू हैव द स्क्वायर ऑफ विजडम। यहाँ पे है हमारे पास थ्री ऑफ विजडम। वी डू हैव एज अ सिक्स ऑफ लव। यहाँ पे है हमारे पास द कॉन्सोलमेंटम, दिस इज द वर्ल्ड कार्ड। यहाँ पे है हमारे पास लेडी ऑफ शील्ड्स, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे है हमारे पास लूसीफर। यहाँ पे है हमारे पास फोर ऑफ लव और यहाँ पे है हमारे पास नाइट ऑफ शील्ड्स। I hope you can see these cards. Just a second, I will make it upper so that you can see it. Okay. Bottom of the deck हमारे पास है seven of swords and we do have two of shields and we do have eight of shields. ठीक है, यहाँ से हम देख लेते हैं। Universe spirit guides please guide करें कि मेरे जो viewers हैं उनके जिंदगी में ऐसा क्या अवश्य आने वाला है विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स व्हाट इज गोइंग टू कम। यूनिवर्स फेड गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जिंदगी में विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स क्या आ सकता है। क्वेश्चनिंग We do have in septum, that is initiative. यहाँ पे है हमारे पास libidine, that is lust. यहाँ पे है हमारे पास confusion. Okay. Synthesis. यहाँ पे है vibration. और यहाँ पे है nurturing. Great. Bottom of the deck, we do have the justice. So यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बातें जो है वह है सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स इन वन डेक एंड द जस्टिस इन अनदर डेक। सो ग्रेट ग्रेट ग्रेट, एक्चुअली इट्स नॉट ग्रेट, इट्स फैबुलस। मैं ग्रेट कम बोलूंगी, मैं फैबुलस ज्यादा बोलूंगी क्योंकि मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है। ओके, ऑलराइट। सो यहाँ पे है एरीज, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, वृषभ कन्या मकर राशि। यहाँ पे है कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, कर्क वृश्चिक और मीन राशि। यहाँ पे है एरीज लियो एंड सजिटेरियस। वी डू हैव एज अ हायरोफेंट एनर्जी टॉरस। वी डू हैव यस एक्वेरियस जेमिनी एंड लिब्रा। सजिटेरियस कैन बी इम्पोर्टेंट, पाइसिस कैन बी इम्पोर्टेंट, स्कॉर्पियो कैन बी इम्पोर्टेंट एंड एरीज एंड स्कॉर्पियो काफी इम्पोर्टेंट हो सकता है। अभी होने गया वाला है, मुझे इस तरह से दिख रहा है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में
कोई ऐसा कहीं पे भी पहुंच सकते हैं। सपोज आप कोई क्वेश्चनिंग सेशन पर, मे बी आप एक प्रोफेसर है या टीचर है या लेक्चरर है, अगर आप एक स्टूडेंट है तो काफ़ी ज़्यादा आप हो सकता है कि मॉक टेस्ट्स का प्रिपरेशन करें, और हो सकता है कि आपको इंटरव्यू, मतलब जैसे होता है ना कि डेमो इंटरव्यू देने के लिए आपको अपने कॉलेज में जाना पड़े और वहाँ पे आपका टेस्ट लिया जाए, या हो सकता है कोई कोचिंग सेंटर्स में आप हो वहाँ पे, तो हो सकता है बिफोर द फाइनल एग्जामिनेशन आपको प्रिपरेशन करवाया जाए, ठीक है। एंड आई डू थिंक सो काफ़ी ज़्यादा अपडेटेड नॉलेज आपको विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स मिलेगा, नॉट ओनली फ्रॉम योर कंट्री बट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर आप किसी भी क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है सबसे प्रोत्साहित आप होंगे कि आप अपने ही पेशे में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। जैसे लगेगा कि यू आर नॉट वीक एनी मोर, आप कहीं से भी किसी एंगल से भी कमज़ोर बिल्कुल नहीं हैं। आपकी वाइब्रेशंस, आपकी ऑरा, आपकी जो एक मैं बोल सकती हूँ कि सेंस ऑफ ह्यूमर आप बोल सकते हैं, द स्ट्रेटजीज दैट यू आर गोइंग टू डिवाइस फॉर यू, ये काफ़ी ज़्यादा, आई डू थिंक सो इट विल बी मच मोर प्रोग्रेसिव, ठीक है। आप ऐसा हटके सोचोगे इस नेक्स्ट 72 आवर्स में, इस अगले 72 घंटे में, जैसा कोई नहीं सोच पाएगा। लेकिन मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप अपने फ्लैशबैक में पहुँच रहे हो, जहाँ पे एक मूवी दिखाया जाता है और हमेशा मूवी में दिखाया जाता है कि फ्लैशबैक क्या है, मतलब पास्ट में क्या हुआ था और वो उस सिचुएशन में क्या कर रहा था या क्या कर रही थी। आई डू ऑल्सो फाइंड दैट विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स आप अपने बचपन को काफ़ी ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हो, एंड यू मे थिंक अबाउट अ पर्सन जो आपके साथ कनेक्टेड थे बचपन में, लेकिन शायद उनके साथ अभी और आपका कोई रिश्ता नहीं है, या आप अपने जो कॉलेज डेज आप बोल सकते हैं, आप अपने यूनिवर्सिटी का उस दिन को याद करते हुए दिखाई दे रहे हो, द फर्स्ट डे एट द कॉलेज, द लास्ट डे एट द कॉलेज, वट एवर बी इट इज, इवन यू मिस योर क्लोज रिलेटिव्स, बट आप भी समझेंगे कि वो लोग काफ़ी दूर चले गए हैं या आप उनसे काफ़ी दूर चले गए हो, आप अपने कंट्री में शायद नहीं रहते हैं, आप उनसे बिछड़ गए, वो आपसे बिछड़ गए, फिर ऐसा रिश्ता क्यों बना, बहुत कुछ आपके माइंड पे आ सकता है। नाउ आई ऑल्सो कैन सी दैट आप किसी के पास जा रहे हैं फॉर अ प्रॉपर काउंसलिंग, फॉर प्रॉपर गाइडेंस, एंड वो इंसान भी बहुत शिद्दत से आपको मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आई ऑल्सो डू फाइंड विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स, आप ऐसा हमेशा सोचते हैं कि मैं ना सबसे ज़्यादा कमज़ोर हूँ, ऐसा सोचते हैं ना आप, हमेशा सोचते हैं कि मैं हमेशा, मतलब आपके गुण हैं फिर भी आप समझते हैं कि दैट नो आई एम नॉट दैट मच, ओके आई एम नॉट सुपीरियर देन अदर्स, मैं सुपीरियर नहीं हूँ। आपके अंदर ये जो लो कॉन्फिडेंस एनर्जी है वो मुझे दिख रहा है इन द प्रेजेंट सिचुएशन, बट आप ऐसे सोचते हैं कि मैं जो भी काम करता हूँ, जो भी मैं काम कर रही हूँ, कहीं ना कहीं पे कुछ समय के बाद वो मुझे बोर्डम देता है, वो मुझे डिससेटिस्फेक्शन देता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है यू आर नॉट फॉलोइंग, मे बी यू विल रियलाइज दैट यू आर नॉट फॉलोइंग योर सोल पर्पस। आपके सोल मिशन क्या है, आप रियलिटी में क्या करना चाहते हैं, जो जॉब आज आप कर रहे हैं क्या वो आपके सिर्फ इनकम जनरेशन दे रहा है या मेंटल सेटिस्फेक्शन दे रहा है। जो जॉब आपको दोनों ही देगा, मेंटल सेटिस्फेक्शन भी, एटलीस्ट फाइनेंशियल अबंडेंस भी, वो आप समझना कि दैट इज जस्ट मैचिंग विथ, दैट इज जस्ट रेजोनेटिंग विथ योर सोल पर्पस, बट इफ इट इज नॉट देन दैट इज नॉट योर सोल पर्पस। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन, बट इस ट्रांसफॉर्मेशन में यहाँ पे छुपा हुआ है बहुत कुछ रहस्यमय चीज़ें, जो बाद में जानकर आप इतना स्ट्रांग बनेंगे कि अच्छा लाइफ आफ्टर डेथ वाला सिचुएशंस, कहीं ना कहीं पे आफ्टर डेथ क्या होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स, फिलोसॉफी एंड डेफिनेटली एंशियंट लैंग्वेजेस, पौराणिक चीज़ें, स्क्रिप्चर्स जैसे बोला जाता था, मैनुस्क्रिप्ट्स, ठीक है, हिस्ट्री बुक्स, ठीक है, विल गेट मोर इंटरेस्ट। अचानक से हो सकता है कुछ वीडियोज भी आप देख लें, मोस्ट अमेजिंग थिंग्स इन द वर्ल्ड, मोस्ट वियर्डेस्ट थिंग्स इन द वर्ल्ड,
इस तरह के चीज़ों के ऊपर आपका इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बट जैसे होता है ना कि अगर हम ग्रुप में रहते हैं तो ठीक है, बट कभी कभी ग्रुप में रहते हुए भी कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि एक इंसान वो ओपिनियन रख देते हैं, दूसरा इंसान वो ओपिनियन रख देता है। सो वी गेट कन्फ्यूज इन अ ग्रुप, समटाइम्स ग्रुप प्रॉब्लम ऑल्सो अराइजेस। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप उस चीज़ को प्रॉब्लम के हिसाब से नहीं देखेंगे, आप उस चीज़ को देखेंगे एज द प्रॉब्लम सॉल्वर की। हाँ ठीक है, सबका ओपिनियन मिला के एक कॉमन स्टेटमेंट में पहुँचते हैं। यू विल बी एक्टिंग एज अ टीम लीडर और द ग्रुप ऑर्गेनाइजर एंड यू विल फाइनली ड्रॉ अ कंक्लूजन कि ठीक है देखो सब मेंबर्स का हमने राय लिया है और ये नतीजे पे हम पहुंचे हैं। यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि दैट यू विल हैव द डिजायर टू गेट सोक्ड इन लग्जरी। सो कहीं ना कहीं पर आपको भीगते हुए आप देख रहे हो अपने आप को विद इन द नेक्स्ट $70 के, अगर हाँ पैसा आप कमा रहे हैं सो हो सकता है कुछ लग्जरी आइटम्स भी आप खरीद लें। ठीक है, एनी थिंग इट कैन बी रिलेटेड टू एनी कॉस्ट्यूम हो सकता है, एनी यू कैन से इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, वो एनी टाइप ऑफ कार वट एवर बेट इज जो आपके फैसिनेशन इतने दिन से थे और आपने फाइनली उसको कर दिखाया। सो नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके मन में ये भी आइडियाज आ सकते हैं कि समवन शुड ऑलवेज ट्राई टू हेल्प मी, और वो हेल्प आपके जो यहाँ पे देख रहे हो इट इज कमिंग टूअर्ड्स यू। एंड आई ऑल्सो डू फाइंड कुछ लोग अगर गायनोलॉजिस्ट है, कुछ लोग अगर हार्ट सर्जरी करते हैं, कुछ लोग ब्रेन सर्जरी करते हैं, कुछ लोग अगर डेफिनेटली इन द फील्ड ऑफ सर्जरी विल बी डूइंग द बेस्ट क्रिटिकल वर्क, अगर क्रिटिकल ऑपरेशन भी है, अगर आप नहीं आपके पार्टनर ही सही। सो कहीं ना कहीं पर मुझे दिख रहा है आपके बच्चे ठीक है बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करेंगे कि आपने वो कर दिखाया जो बेसिकली कोई नहीं कर पाया। बेसिकली कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है, इफ़ यू आर अ शेफ, इफ़ यू आर अ कुक, इफ़ यू आर वर्किंग फॉर सम होटल्स और फॉर कैटरिंग सर्विसेज, सो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स एंड सप्लाईज आते हुए। आई ऑल्सो डू फाइंड दैट आपकी भी डिटर्मिनेशन होगी विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स कि आप कई जगह तो जाए, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा मेंशन अचानक से मेरे माइंड पे आया फ्लाई एमिरेट्स। एमिरेट्स इज एन एयरलाइन, ओके, पता नहीं कुछ एमिरेट्स से रिलेटेड होता हुआ, फॉर गॉड्स स्वेयर आई कैन से फ्लाई एमिरेट्स इस तरह से मेरे मन पे पहले ही आया, और कोई एयरलाइंस का नाम मेरे मन में नहीं आया है। मे बी और एयरलाइंस हो सकते हैं बट एमिरेट्स इज देयर। सो आप लोग देख लेना एमिरेट एयरलाइंस से कुछ रिलेटेड हो सकता है कि शायद आप उस कंट्री में रहते हैं जहाँ पे एमिरेट्स फ्लाई करता है, इवन इन इंडिया टू अब्रॉड, अब्रॉड टू इंडिया इस तरह से। सो आई ऑल्सो डू फाइंड कि मुझे ये भी ऐसा लग रहा है कि आप ज़रूर अपने माता को या बुजुर्ग को क्वेश्चन करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे रीज़न क्या है, एक्सप्लेनेशन आप प्लीज़ दीजिए ताकि मुझे समझ में आ जाए। मे बी विल टॉक टू योर फीमेल बॉस और अ टीचर और अ प्रोफेसर, जनरली फेमिनिन नेचर, जो आपको काफ़ी ज़्यादा समझाने की ताकत रखे। आप उन्हीं को अप्रोच करते हुए दिखाई दे रहे हो बट यू आर नॉट लूजिंग योर होप। कहीं ना कहीं पर आपकी एनर्जी लेवल काफ़ी ज़्यादा हायर लेवल पर रहने वाला है एंड योर लाइफ पार्टनर एंड योर पार्टनर, योर सिस्टर, योर मदर विल बी रियली प्राउड ऑफ यू कि आपके अंदर वो हिम्मत है कि आप कर सकते हो। मे बी यू विल ज्वाइन, हो सकता है कि आपके पापा रिटायर्ड हो गए हैं आर्मी से या डिफेंस से, और आप या आपके भैया हो सकते हैं जो फिर से ज्वाइन करने वाले हैं आर्मी में। सो यू विल बी प्राउड ऑफ योर एंसेस्ट्रल अचीवमेंट्स, उस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। अभी मैं एक काम करती हूँ, आई विल जस्ट लुक आउट विद द हेल्प ऑफ सम कार्ड्स, बेटर वी विल गो फॉर द क्यूब्स, क्यूब से हम थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि हमें और भी क्लैरिटी मिले, बिकॉज आई बिलीव दैट क्यूब्स कैन गिव अस द मोस्ट क्लैरिटी। सो यूनिवर्स गाइड, प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी जिंदगी में क्या आते हुए दिखाई दे रहा है विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। कुछ लोग यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि येस आई टोल्ड यू दैट, देखो यहाँ पे मरमेड है, फिश है, समथिंग यू विल रियलाइज बियॉन्ड द मिस्ट्रीज। ऐसा क्यों होता है, वाई इट हैपन्स,
तो डीप एक्सप्लोर करने से ही आपको सारे इन्फॉर्मेशन पता चलेगा, ऐसा क्यों हुआ आपके साथ, इन फ्यूचर ऐसा कैसा क्या हो सकता है। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, यू विल जस्ट ट्राई टू रीच फ्रॉम द, यू कैन से आपके नज़रिया जो है फ्रॉम बर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, बर्ड्स ओवरव्यू से आप देखोगे। सो मुझे ये भी दिख रहा है किसी के साथ एक डीप रोमांटिक कनेक्शन में, सिर्फ रोमांस नहीं, उसके साथ पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग लेवल पर पहुंचते हुए। ठीक है, रोमांस कैन बी डन, बट द थिंग इज लाइक दैट द अंडरस्टैंडिंग विच मैटर्स द मोस्ट, कि एक दूसरे को कितना हद तक समझ जाते हो आप लोग। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग अगर एनिमल्स रिलेटेड कोई पेशा में है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वूल, ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है सिल्क, कुछ लोगों के लिए हो सकता है लेदर इंडस्ट्रीज, उस अगर फील्ड में है कोई डेयरी फार्म, डेयरी इंडस्ट्रीज, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट, ऑर्डर सप्लाईज काफ़ी ज़्यादा आते हुए दिखाई दे रहा है। यू आर अट्रैक्टिंग, यू आर मैनिफेस्टिंग एक्चुअली द बेस्ट थिंग्स इन योर लाइफ विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। आप किसी के ऊपर डीप एफेक्शन आपका जन्म ले सकता है, वही मुझे दिख रहा है कि किसी की कमी, किसी की वहाँ पे प्रेजेंस दिखाई दे रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, लव यू अ लॉट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड